पूरा पोद्दार परिवार खुशियों में झूम रहा है। तो क्या फाइनली दादी सा ने अभिरा और अरमान की शादी के लिए हाँ कर दी है? हाल ही में हमने देखा रोहित ने दादी सा के आगे अपना शर्त रख दिया कि वो फार्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी उठाएगा अगर दादी सा अभिरा और अरमान की शादी जल्द से जल्द करवाते हैं। तो क्या फाइनली दादी सा अभिरा और अरमान की शादी के लिए मान गई है? जी हाँ, जहाँ आप आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं, दादी सा ने मजबूरी में रोहित का शर्त मान लिया और वो अभिरा और अरमान की शादी के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हम अभिरा और अरमान को एक दूसरे से बात करते देखेंगे। अरमान अभिरा से कहेगा कि अभिरा, मुझे लगता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अभिरा कहती है कि दादी सा तो खुशी खुशी हमारी शादी के लिए नहीं माने, वो तो रोहित ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया, इसीलिए उनको रोहित की शर्त और हमारी शादी माननी पड़ी। अगर ऐसा हुआ तो इस शादी से ना ही दादी सा कभी खुश होगी और ना ही हम। अब अभिरा चाहती है कि दादी सा उसे अपने खुले दिल से अपनाए, ना कि किसी दबाव में आकर। अब आने वाले एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या रूही कोई साजिश रचती है इस शादी के खिलाफ, क्योंकि रूही अभिरा और अरमान की शादी होने नहीं देना चाहती। अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, रूही रोहित का इस्तेमाल करने वाली है शादी को रोकने के लिए। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां दिखाया गया है कि अरमान और अभिरा को घेर कर परिवार वाले सभी डांस कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। तो क्या सच में ये रियलिटी है या फिर पहले की तरह अभिरा और अरमान की ड्रीम सीक्वल है? आने वाले एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार।